नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन पार्टी, तो कोएर्शन में कभी भी आपस में पार्टी नोन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। एक्सरसाइज माय होम कोएर्शन नॉट नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर नॉट नीड इट टू बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोमिसर, जरूरी नहीं कि वो प्रोमिसर के अगेंस्ट किया जाए कोएर्शन। मैंने कहा ना ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसने बी को नहीं बांध के रखा, बी के बेटे को बांध के रखा, और कॉन्ट्रैक्ट किससे करना चाहता है बी के साथ, तब भी तो बी प्रेशर में आ जाएगा, तो ये कोएर्शन है। जरूरी नहीं कि प्रोमिसर के साथ जबरदस्ती की जाए, पर अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है हमेशा सामने वाली पार्टी पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, तभी ना वो मानेगा। इसमें तो ये नहीं बोलेंगे ना, मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेल बेटे को करके हम बाप से एग्रीमेंट कैसे साइन कराएं, उसके लिए जितने एग्रीमेंट करना है उसी को इमोशनली क्या करना होगा ब्लैकमेल करना होगा। समझ में आ रहा है। इनफोर्सिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन, जबकि यहां देखो वेयर द कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वॉइडेबल, सेम है वो वहां भी था कोएर्शन में भी वॉइडेबल था, अंडर इन्फ्लुएंस में भी क्या है वॉइडेबल है, लेकिन आगे लिखा है या फिर कोर्ट में सेट असाइड, सेट इट असाइड और इनफोर्स इट इन ए मॉडिफाइड फॉर्म। इसमें एक नया और प्रोविजन दिया गया, कोर्ट को ऑप्शन दिया गया अंडर इन्फ्लुएंस में कि कोर्ट ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा पर जेन्युइन टर्म्स कंडीशन पर, जो उसमें अनरीजनेबल पार्ट है उसको कोर्ट क्या करेगी हटा देगी और जेन्युइन टर्म्स पर किया जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड कोएर्शन में अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्काइंड करता है एग्रीड पार्टी एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक, उसे वापस करना होगा वो बेनिफिट, जो बेनिफिट लिया गया था वो क्या करना होगा लौटाना होगा। और यहाँ क्या कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो एग्रीड पार्टी को बेनिफिट रिटर्न करने का भी ऑर्डर दे सकती है और नॉट टू गिव एनी सच डायरेक्शन, जरूरी नहीं कि वो ऐसा डायरेक्शन दे, तो कोर्ट के हाथ में है यहाँ पर कि बेनिफिट को लौटाना है या कितना लौटाना है या एग्रीमेंट को पूरी तरह से वॉइड करना है या कितना वैलिड करना है, ये कोर्ट के हाथ में। वापस आ जाओ, अगला टॉपिक है पेज नंबर 12 डिफाइन मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 मिला, तो फिर से देखो तीन पॉइंट हो गए। कोएर्शन अंडर इन्फ्लुएंस और तीसरा मैंने क्या पढ़ाया था फ्रॉड, इसमें आपको कुछ फैक्ट के बारे में गलत बताया गया, स्टेटमेंट दिया गया जो पता था गलत, या कुछ फैक्ट को गायब कर दिया गया, मतलब कुछ चीजों को छुपा लिया गया जिसके छुपाने से सामने वाला पार्टी मिसलीड हो रहा, इसको क्या बोलते हैं फ्रॉड। अगला पॉइंट देखो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एन इंक्लूड पहला द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true. Positive assertion matlab apni baat kehna, aur assertion ka matlab hota hai zor dekar kehna, matlab main apni baat ko itna matlab zor dekar keh raha hu ki samne wale ko kya lagta hai ki main jo keh raha hu wo bilkul sach hai, aur mujhe bhi nahi pata tha main jab keh raha tha to mujhe nahi pata tha ki jo main keh raha hu wo galat hai, ये मुझे नहीं पता था, और मैं उसे क्या बताकर सामने वाले को कन्विंस कर रहा हूं कि ये सही है, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, गलत बयानी, क्या बोलते हैं इसको गलत बयानी। सेकंड एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, उसमें हम किसी को धोखा देना नहीं चाहते हैं, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, लेकिन उसमें जो पर्सन एक पर्सन को हम एडवांटेज पहुंचा रहे हैं और anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. A breach of duty क्या होता है? सुनो, a failure to do something that you are legally responsible for. कोई काम जिसे legally हमें करना चाहिए था, उस काम को करने में हम fail हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? Breach of duty. और यहाँ पर क्या है? Breach of duty. जिसका मकसद जो है किसी को भ्रम में डालना नहीं था, किसी के साथ धोखा देना नहीं था, लेकिन हमें पता है कि हम ये चीज पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब जो कमिटमेंट किया गया था उसे पूरा नहीं करना, और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ना। आगे
ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है जिस काम को लीगली हमें करना चाहिए था, लिख लो, अ फेलियर टू डू समथिंग, अ फेलियर टू डू समथिंग दैट यू आर लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर, अ फेलियर टू डू समथिंग दैट यू आर लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर। सुनो एक एग्जाम्पल सुन लो, अगले पेज में दो एग्जाम्पल है वैसे, उससे और क्लियर होगा। अभी मैं थर्ड पॉइंट पढ़ू, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं इनोसेंट मिस्टेक। इनोसेंटली मतलब इनोसेंट मिस्टेक, यानी हम अनजाने में क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट था उसके सब्सटेंस के बारे में यहाँ पर कुछ गलत बयानी हो रही है, मतलब मिस्टेक हम कर रहे हैं, सच नहीं बता पा रहे सामने वाले को, गलत चीज बता रहे हैं। तो देखो एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, पहला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, एक ऐसा फैक्ट के बारे में बताना जो कि क्या है फॉल्स है, विच कंसीडर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन इज द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू, अगर मेकर को ये पता था कि ये ट्रू है बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पोजेस, उसको केवल बिलीव था कि ये ट्रू है लेकिन उसके पास जो एविडेंसेस थे इंफॉर्मेशन थे उसके बेसिस पर जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि ये ट्रू है, मतलब मेकर ने लापरवाही की है एक तरह से, स्टेटमेंट देने वाले ने उसने कहा कि ये सच है, ठीक है सच था, तो उसके लिए आपके पास कुछ एविडेंस कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, वो नहीं है तो आपके खाली बिलीव करने से तो सच नहीं बन जाता। लेकिन सुनो क्या इंटेंशन था उसका झूठ बोलने का, नहीं, इंटेंशन अगर इंटेंशन होता तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, क्या होता, फ्रॉड होता। अगला पॉइंट नंबर टू देखो, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग एन एडवांटेज टू हिम, मतलब कोई ऐसा काम जो हो नहीं पाया जो हमें करना चाहिए था और ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक पर्सन को एडवांटेज हो रहा है और दूसरे को नुकसान। वेयर पार्टी कॉज इवन टू डन इनोसेंटली द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, हम गलती से किसी को मिस्टेक करने पर मजबूर कर देते हैं, गलती से हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल 1, ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी एंड सी टू बी दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ए बोलता है बी को कि सी डायरेक्टर बनने वाला है कंपनी का और इस बेसिस पर तुम एक शेयर खरीद दो, ए बी को कहता है कि तुम ये शेयर ले लो। A makes the statement or information derived not directly from C but from M, और ये बात उसको C ने नहीं बताई थी, किसने बताई थी, M ने, उसको C से confirm करना चाहिए था, नहीं किया। B applies for the share on the faith of the statement which turned out to be false, और B ने सिर्फ किसी condition में apply किया था क्योंकि C वहाँ पर बनने वाला था director और वो हुआ नहीं, ये तो गलत हुआ। तो अब यहाँ पर B जो है एक तरह से उसके साथ misrepresentation हुआ है, किसने दिया मिसरिप्रेजेंटेशन, ए ने, किसको, बी को, और क्या ए ने ऐसा जानबूझकर किया, नहीं, उसको ये बात एम ने बताई थी पर क्या उसे एम पर भरोसा करना चाहिए था, यहाँ पे वो गलती कर रहा है, उसे और भी सोचते थे इस बात के क्या करनी चाहिए थी, कंफर्म करना चाहिए इस बात को कि ये सही है या नहीं जो उसने किया नहीं। तो दिस स्टेटमेंट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिसीव सेकंड हैंड did not warrant A to make the positive statement to B. Clear? Agla point, example 2. A believes the engine of his motorcycle to be in excellent condition. A, without getting it checked in a workshop, B ko bol diya ki motorcycle in excellent condition. Main suno, ek motorcycle tha A ke paas, kaafi dinon se wo usko use bhi nahi kar raha tha aur usse lag raha tha ki motorcycle ekdam kya hai, perfect hai, engine wagera ekdam theek kaam kar raha hai aur usne B ko bola na sab theek hai tum le lo, और उसने उसको चेक नहीं करवाया, उसने उसको देखा भी नहीं, और दिस स्टेटमेंट भी बॉट द मोटरसाइकिल व्हिच इंजन प्रूव टू बी क्या डिफेक्टिव, हियर ए स्टेटमेंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एज द स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। अब सुनना, भले ए को नहीं पता था लेकिन यहाँ पर बी के साथ तो गड़बड़ हो गया ना, बी को जो बोला गया था
वो तो दिया नहीं गया ना, डिलीवर नहीं किया गया ना, तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा? तो वही होगा जो फ्रॉड का होता है। मतलब बी यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मान सकता है, मतलब चाहे तो वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मामला फ्रॉड का होता तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनता ए के ऊपर, लेकिन अगर मामला फ्रॉड का नहीं है तो वैसे केस में ए के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं आएंगे। अब क्रिमिनल चार्जेस आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो केस के फैक्ट्स को देखकर पता चलेगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था या अनजाने में किया था, ये हम और आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। पहला सिंपल है, इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रुथ, सच को छुपा करके सामने वाली पार्टी को धोखा देना, ये है फ्रॉड। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन, अच्छा क्या फ्रॉड है मैं बता रहा हूं, ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं कि आप एक जमीन खरीदने गए और सामने वाले ने बोला इधर को मेरी जमीन है, उसके फॉल्स पेपर बनवाए, फॉल्स पेपर जो सच नहीं है, कोर्ट के फॉल्स पेपर बनवा लिए उसने और किसी और की जमीन को बेच भी डाला, सामने वाले को बेच डाला। और जब सामने वाला वहां पर गया कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, काम शुरू ही किया था कि कोई और आके खड़ा हो गया, बोला अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा जमीन है। और ऐसा ये पहला एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों केसेस ऑलरेडी इंडिया में हो चुके हैं। तो इसको फ्रॉड बोला जाता है, जो बेचने वाला था उसको पता था ना कि ये मेरी जमीन नहीं है, फिर भी उसने ऐसा किया, दैट इज फ्रॉड। और सेकंड देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन, देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, इसमें इंटेंशन नहीं था धोखा देने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज किसी ने ये कहा कि तुम ये वाला शैम्पू यूज करो, तुम्हारे और जो बाल है ना एकदम काले हो जाएंगे और घने हो जाएंगे, मतलब और अच्छे हो जाएंगे, क्लियर है, बोलो। अब जिसने ये शैम्पू आपको बेचा उसको ये बात, उसने इस बात को कंफर्म नहीं किया था एविडेंस के बेसिस पर, उसने बिलीव किया था किसी और के स्टेटमेंट पर और उसने बेच दिया आपको शैम्पू। आपने वो शैम्पू यूज किया और शैम्पू फैंटास्टिक था, बट उसका प्रॉब्लम खाली एक ही था कि बाल घने होने के बजाय सारे उड़ गए, मतलब आप पूरा साफ हो गया मैदान, शैम्पू नहीं था, पता नहीं हेयर रिमूवर था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक पार्टी को नुकसान हुआ और दूसरा पार्टी जो था यहाँ पर उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था। तो अब यहाँ पर सवाल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है कि जिसने आपको वो शैम्पू बेचा उसने जानबूझकर ऐसा किया या उसको भी ये बात नहीं पता थी या पता नहीं चल पाता उसे, तो ये कोर्ट में जाएगा, मैटर डिस्प्यूटेड है। यानी बहुत थिन लाइन होता है, सुन लो, बहुत ही थिन लाइन होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। इसको प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो एग्री पार्टी है ना वो हमेशा क्या बोलेगा, सामने वाले ने फ्रॉड किया, वो यही बोलेगा ना, जिसके साथ गलत होगा वो तो हमेशा यही क्लेम करेगा, और जिसके ऊपर केस किया जाएगा वो हमेशा ये बोलेगा कि नहीं मैंने फ्रॉड नहीं किया, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी या इंफॉर्मेशन नहीं था, ऐसा बोलेगा। आपने कभी सुना है, पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कई बार फिल्म स्टार पर केस किया जाता है कि वो गलत लोगों का एडवर्टीजमेंट करते हैं, साथ देते हैं, सुना है कभी, प्रैक्टिकली होता है ऐसा। ये मामला मिसरिप्रेजेंटेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। कोई फिल्म स्टार ने क्या किया, एक बहुत बड़े बिल्डर का प्रमोशन किया कि ये बहुत बड़ा ये बनाने वाले हैं, मतलब पूरा एक सिटी बसाने वाले, वहां पर सारे फैसिलिटीज होंगे, सब कुछ होगा, आप इनका एक्सपीरियंस करिए, आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, डुप्लेक्स खरीदिए, बंगलो खरीदिए, राइट, आपने पैसा फंसा दिया, बाद में बिल्डर भी फरार, पैसे भी गायब आपके, मतलब जिसने ये किया था वो उड़ान है। और समस्या ये है कि मार्केटिंग किसने किया, एक फिल्म स्टार ने, तो उन पर भी केस होता है कि इन्होंने गलत जानकारी दी, मिसलीड किया पब्लिक को, समझ में आ रहा है। तो फिल्म स्टार को बहुत सोच समझ कर
एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए, पर इंडिया में ये सब कॉमन सेंस नहीं है हमारे फिल्म स्टार के पास। जो आप देखेंगे जितने भी डिस्प्यूटेड मामले आते हैं, जैसे विमल का लेटेस्ट डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था थोड़े दिन पहले, तो इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि ये लोग ऐसे ब्रांड को इंडोर्स करते हैं जो वो खुद कभी भी कंज्यूम नहीं करते, वो खुद कभी भी कंज्यूम नहीं करते। जितना ये ऐड आता था पेप्सी कोका कोला सलमान खान शाहरुख खान सब बोलते हैं पियो, खुद कभी पीते हैं बोलो? एंड उसमें क्या होता है, मतलब उस पेप्सी या कोका कोला में अंदर क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ शुगर एंड पेस्टिसाइड, तीसरा कुछ होता ही नहीं होता। क्या होता है? शुगर एंड पेस्टिसाइड। कितना शुगर होता है पता है? एक बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक में जो 300 ml का होता है उसमें इतना शुगर होता है कि आप मान कर चलिए कि कम से कम 15 कप चाय पी सकते हैं उसमें शुगर, उतना आप एक कोल्ड ड्रिंक में क्या करते हैं कंज्यूम कर लेते हैं। तो अभी नया इंडिया डेवलप हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया इंडिया आने वाला टाइम में दिख रहा है आप सबको। अब नए यंगस्टर की हाइट कम हो रही है, मतलब लेंथ में, और विड्थ में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब मोटे हो रहे हैं बच्चे, यही सच है। अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे ना, चाइनीज और हांगकांग वहां के लोगों से कंपेयर करेंगे ना, तो इंडिया और अमेरिकन वो हमेशा मोटे मिलेंगे आप। अमेरिकन क्योंकि वो भी बर्गर खाते हैं पिज्जा खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, समझ गया? और वही काम हम लोग भी अभी कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक। तो ये कॉमन प्रॉब्लम आपको देख, चाइनीज कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो अगर नूडल्स भी खाते हैं ना तो बॉइल नूडल्स खाते हैं, वो कभी भी फ्राइड नूडल्स नहीं खाते हैं। और हमारे यहाँ हर चीज क्या मिलता है फ्राइड, हर चीज। तो ये डिफरेंस है। एनीवे मैं बीच बीच में आपको थोड़ा अवेयर कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बताऊ मिथ रिप्रेजेंटेटिव सब समझ गया क्या होता है, जो फिल्म स्टार एडवर्टाइजमेंट करते हैं गलत प्रोडक्ट का। जैसे बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, शाहरुख खान बहुत समय तक उसने ऐड किया फेयर एंड हैंडसम, क्या ग्रीक था पता नहीं, उसका ऐड आता था कि उसको लगा करके वो एकदम स्मार्ट बन गया, समझो कितनी बकवास है ये। मतलब हमारी सोसाइटी अभी भी इस बात में बिलीव करती है कि जिसका कलर फेयर होगा वो स्मार्ट होगा, ये बकवास है एकदम। और आज के जमाने में धीरे धीरे लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है, स्मार्टनेस कभी भी आपके कलर से नहीं आता, आपके कॉन्फिडेंस से आता, और कॉन्फिडेंस क्रीम लगा कर नहीं आता, बात को समझो। तो एक्चुअल में जब मैं यंग था आपकी एज का ना, तो मेरे अंदर भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मेरा भी कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर नहीं है, मतलब हल्का सा फेयर नहीं है, तो वैसे कि इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि शायद मैं उतना सुंदर या स्मार्ट नहीं दिखता, क्योंकि उस समय अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट? तो वैसे कि इसमें लोगों से बात करने में थोड़ी सी एक घबराहट होती थी, या सही ढंग से हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर मिला, डिग्री सीए की डिग्री मिली, अपने आप कॉन्फिडेंस का लेवल क्या हुआ बढ़ने लगा। तो तब समझ में आया कि स्मार्टनेस जो है वो कभी भी आपके कलर एंड कॉम्बिनेशन से नहीं बनता, आपका स्मार्टनेस आपके कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़ेंगे आप, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ओके? अगला पॉइंट, नॉलेज ऑफ ट्रुथ। द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट देयर स्टेटमेंट इज अनट्रू। फ्रॉड में उसको पहले से पता होता है कि मेरा स्टेटमेंट क्या है गलत है, फिर भी वो आपको फंसाता है, फ्रॉड है। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में उसे नहीं पता होता है कि अनट्रू है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। इंजोर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिपीट कर सकता है, तोड़ सकता है और डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। मतलब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ ही देंगे, साथ ही साथ मुझे कंपनसेशन दिया जाए, मेरे साथ इतने क्या किया है फ्रॉड किया, समझ गए बात को? लेकिन यहाँ देखो, द इंजोर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर रीइंस्टीट्यूशन। रेस्टिट्यूशन है, रेस्टिट्यूशन का मतलब रीइंस्टेटमेंट, मतलब जैसा सिचुएशन पहले था वहां पर लाया जाए, लेकिन डैमेजेस की डिमांड नहीं कर सकते। डैमेज की डिमांड केवल कब कर सकते हैं? फ्रॉड होने पर। गलती से किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज दे दी जिसको नहीं देना चाहिए था, उससे आपको नुकसान हुआ और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बोलो, तो आप
रीस्टेटमेंट करा सकते हैं, मतलब जैसा सिचुएशन पहले था उस सिचुएशन में आप आ सकते हो, पर आप डैमेजेस अलग से डैमेज की डिमांड नहीं कर सकते। जबकि फ्रॉड में तो आप केस करके बोलेंगे मेरे को कंपनसेशन दिया जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया। बताए तो रीइंस्टेटमेंट जैसा पहले था वैसे सिचुएशन में पहुंचा देना, मतलब सपोज मान लो ए ने बी को कुछ माल भेजा जो मित्र प्रेजेंटेशन के साथ था, तो वैसे सिचुएशन में वो माल वापस कर दो और जो पैसा आपने दिया था वो वापस ले लो, दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह पर क्या होंगे पहुंच जाएंगे। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैज मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। फ्रॉड में हम कभी ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला बेवकूफ था क्या, उसको दिमाग नहीं था क्या, उसको पता लगाना नहीं चाहिए था क्या। हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम तो खुद उसको झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूँ और मैं उसको क्या कह रहा हूँ तो बेवकूफ थे क्या, ऐसे नहीं बोल सकते आप। किस में? फ्रॉड में, क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पर क्या था, गलत था, क्लियर है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, हम ये बोल सकते थे कि अरे मेरे से गलती हुई, तुम क्या कर रहे थे, तुमको तो पता लगाना चाहिए था, तुमको तो देखना चाहिए था ना, मतलब एक रास्ता खुला है कहां पर, मिसरिप्रेजेंटेशन में, जो पार्टी ने गलत किया है उसके बचने का रास्ता। समझ में आ रहा है? तो देखो पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ। क्लियर है पॉइंट? ये डिफरेंस है दोनों में। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल पढ़कर सुनाता हूं, एक केस लॉ खाली आपके नॉलेज के लिए। इन अ केस एक्स चार्टर्ड अ शिप टू वाई, इन अ केस एक्स चार्टर्ड अ शिप टू वाई, मतलब उसने शिप दे दिया उसको किराए पर ले जाओ, व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड इन द चार्टर पार्टी यानी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब था कि ये 2800 टन से ज्यादा के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, बट रिप्रेजेंटेड टू हिम एज बीइंग नॉट मोर देन 2800 tonnage registered. आगे, it turned out that the registered tonnage was 3045 ton. मतलब उसने बोला ये 2800 टन से ज्यादा नहीं ले जा पाएगा, जबकि एक्चुअल में वो 3045 टन के लिए रजिस्टर्ड था, रजिस्ट्रेशन होता है शिप का पोर्ट में, पोर्ट अथॉरिटी सर्टिफिकेट देते हैं। तो यहाँ पर गलती हो गई एक्स से, उसने गलत कैपेसिटी बताया शिप के बारे में। It turned out that the registered tonnage was 3045 tons. Why refused to accept the ship in fulfillment of the charter party? मतलब भाई ने बोला मैं नहीं लूंगा आपसे तुमसे, तुमने क्या किया, मिसस्टेटमेंट दिया यहाँ पर। It was held that why was entitled to avoid the charter party by reason of erroneous statement as to tonnage. यहाँ पर इस केस में डिसाइड हुआ कि why इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है क्योंकि erroneous statement हुआ, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन तो हुआ ना, जानबूझकर नहीं किया पर हुआ ना, तो मिसरिप्रेजेंटेशन का भी इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी के साथ। क्लियर है पॉइंट? देखो अगर मैंने टनेज पूछा नहीं होता, सामने वाले ने बताया भी नहीं होता, अपने मन से मैंने अज्यूम कर लिया होता कि ये तब वो 3000 टन का कैपेसिटी का शिप है, और बाद में चेक करने पर पता चलता कि ये तो 2500 टन का है, तो मैं रिजेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर यह मामला एप्लीकेबल होता कि बायर को क्या होना चाहिए था, अवेयर। लेकिन ये वो मामला नहीं है, यहां पर एक्स बोल रहा है कि इसका टनेज कितना है 2800, बाद में टनेज निकलता है कुछ और, तो इसे मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा और वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 15, लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट प्री कंसेंट। ये विदाउट प्री कंसेंट, तो विदाउट प्री कंसेंट अगर कोई लीगल एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा,
तो लिख रहा है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, ये सेक्शन 19 है, देखो बीच में सेक्शन 19 गायब है, तो ये सेक्शन 19 है वो कहता है कि प्री कंसेंट के बिना अगर एग्रीमेंट होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखो व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड। ये तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि सारे केसेस में पहले वाले ये तीनों ये चारों केसेस में ये चारों कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइडेबल। आगे बढ़ो a party to contract whose consent was so caused by fraud or misrepresentation if it is fit insist that the contract that be performed। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि aggrieved party ये बोल सकता है कि नहीं contract को तो पूरा करना होगा, contract को हम छोड़ नहीं सकते, बीच में उसको पूरा किया जाए, but आगे क्या लिखा है that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। लेकिन मैं दूंगा बदले में उतना ही जितना जिस चेयरमैन केस होता तब देता, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो मैं कितना उसको देता दूंगा मैं उतना ही, मतलब पूरा फुल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उस केस में। अगर मैं मान रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लूंगा बट फेयर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो ये बात अलाउड है, ये चाहे तो एग्री पार्टी ये भी कर सकता है, पॉसिबल है। एक्सेप्शन देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंट फ्रॉड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 the contract is not voidable if the party whose consent was so caused has the means of discovering the truth with ordinary diligence। मतलब मामला यहाँ पर केवल misrepresentation का है या silence का, fraud का नहीं है मामला, misrepresentation या silence का मामला है। तो सामने वाला पार्टी ये कह सकता था कि अगर वो पार्टी भी थोड़ा सा diligence के साथ काम करता तो पता लगा सकता था fact का, तो उस केस में contract को वो void नहीं मान सकता, वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तब उसमें एग्रीड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने का पावर नहीं मिलेगा। अब ऐसा कब होगा, चलो एग्जांपल से क्लियर होगा, देखना एक्सप्लेनेशन में जो लिखा पहले पढ़ते हैं। अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी और होम ऑन होम दैट फ्रॉड वाज प्रैक्टिस और टू होम दैट मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अब कब ऐसा होगा, एग्जांपल देखो, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represented that 500 pounds of indigo are made annually at a factory। A बोल रहा है B को कि मेरी फैक्ट्री में 500 pounds of indigo बनता है हर साल। Pound का मतलब होता है unit of weight, मतलब measurement का एक basis है, जैसे हम kg बोलते हैं, ton बोलते हैं, quintal बोलते हैं, वैसे ही pounds भी बोला जाता है। तो आप इतना समझे ना 500 quantity। अब आगे क्या हुआ, and thereby B induces B to buy the factory, बोला factory ले लो। Contract is voidable at the option of B। This is because, देखो आगे क्या बोल रहा है, consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so called। तो बोल रहा है ये voidable contract होगा अगर actual में ये statement क्या है गलत है और वो जानबूझ करके गलत बोला, देखा है ना, intending to deceive B, मतलब B को धोखा देने के लिए उसने ऐसा बोला, तो यहाँ पर B के पास right है कि वो इस contract को void declare कर सकता है। अब नीचे एक और example देखो पहले, A by misrepresentation leads B to believe erroneously that 750 tons of sugar is produced per annum at the factory of A, मतलब गलती से उसने बोला B को कि मेरी factory में 750 tons sugar produce होता है हर साल। We examined the accounts of the factory which could have disclosed if ordinary diligence had the exercise had been exercised by B that only 500 tons had been produced। अगर B एक बार फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करता तो उसको आराम से पता चल जाता कि 500 टन से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। Thereafter, B purchased the factory और B ने ले लिया फैक्ट्री। इन द सर्कमस्टेंसेस अच्छा और क्या हुआ, क्या बी ने एक्चुअल में उसे चेक किया कितना कैपेसिटी है, नहीं चेक किया, तो बाद में बी ने परचेज कर लिया फैक्ट्री। इन द सर्कमस्टेंसेस बी कैन नॉट रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ ए मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बी अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ पता लगाता तो बहुत आसानी से उसको पता चल सकता था। और एक और बात, ए ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है ये मामला, अगर जानबूझकर किया होता तब तो वॉइड हो जाता, लेकिन ऐसा जान बुझ कर नहीं हुआ। तब ये कहां लिखा है, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19 में। तब
मैंने टेलर ऑफ इंपे